तो सभी दोस्तों का स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल टूल्स इन्फो पर, और आज हम आपके लिए बेहद ज़रूरी एक खास पावर टूल लेकर आए हैं। जी हाँ, वो पावर टूल्स जिसका आप बेहद सब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इस टूल्स का नाम है बैंडसो। बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस है इसका। ये कैसे काम कर सकता है, इसकी कुल कैपेसिटी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसका प्राइस भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप कैसे मंगवा सकते हैं, कहाँ मिलेगा और किन तरीके के लकड़ों को ये काट सकता है। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस, काम के वीडियोस, जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोस डाले जाए, अपलोड किए जाए, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, आपको हेलो पता दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम डेली बेस पे आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं, और जो भी हमने पुराने भी वीडियो डाले हुए हैं उसको भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक्स कहूँगा। अगर आपको और भी हमें सपोर्ट करना है तो हमारा स्पेशल थैंक्स का फीचर चालू हो चुका है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जो डेली बेस पे नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक टूल्स, न्यूमेटिक टूल्स, कंप्रेसर, ब्रेकर और जो एंगल ग्राइंडर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर की गन है, आर्क वेल्डिंग मशीन है, अलग अलग प्रकार के बेंच पे टेबल पर रखने वाला ड्रिल मशीन है, मिनी बेंच ड्रिल है, और ये जो आज का प्रोडक्ट है ये हमारा बैंड सॉ है, जो आप टेबल पे भी रख सकते हैं, और जो कार्विंग का काम करते हैं, जो कारपेंटरी का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक्स के अंदर स्विच बोर्ड बनाने का काम करते हैं, उनके अंदर भी ये उपयोगी होने वाला है, और छोटे से मशीन पैक के अंदर आपको बहुत सारे फीचर देने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास चेन सॉ है लकड़े के अंदर, और हमारे पास प्रेशर वॉशर है अलग अलग प्रकार के, हमारे पास ड्रिल मशीन है यहाँ पर, और न्यूमेटिक गन्स है, सॉकेट है, ये सारे प्रोडक्ट आपको किंग टूल सूरत पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर में उनका मोबाइल नंबर और उनका जो एड्रेस है वो भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको ये टूल में से कोई सा भी टूल मंगाना हो तो किंग टूल सूरत का कौन सा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो प्रोडक्ट है माफ प्रो का बैंड सो, इसका हम फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका आपको डेमो करके भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो माफ इंडिया प्रो, और इसके पहले भी हम लोग माफ इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं, बहुत सारे अनबॉक्सिंग भी कर चुके हैं। और ये हमारे पास माफ के ड्रिल मशीन है, माफ प्रो का हमारे पास इंपैक्ट ड्राइव है, जो इसके पहले हमने वीडियो डाला हुआ था, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग माफ इंडिया के डाल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और ये जो आपके सामने है ये स्पेशली बैंड सो है, इसके पहले हमने इंको कंपनी का एक बैंड सो आपके लिए वीडियो बनाया था, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको इंको ब्रांड का मशीन देखना है तो। और ये जो उसके अंदर मशीन देखने के बाद कई व्यूअर्स ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया था कि आप जो वीडियो और आपने जो प्रोडक्ट बताया है वो बहुत कॉस्टली है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो माफ प्रो का जो आपके पास मशीन आपके सामने है ये बहुत ही सिंपल मशीन है, और आपके बजट में भी ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो उसी के चलते हुए ये प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑन ऑफ का स्विच है, इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर मोटर वगैरह पीछे की तरफ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिंगल फेस का इसमें मोटर लगेगा, यहाँ पर हैवी मोटर ड्यूटी लगा हुआ है, और मोटर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 550 वॉट का इसके अंदर पावर मिले, और इसका जो बैंड की लेंथ है वो 1511 mm की इसकी बैंड की लेंथ रहेगी, और 1400 RPM के ऊपर ये चलने वाला है। यहाँ पर बैंड सो का पूरा मेंशन किया हुआ है। ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का पूरा वेट है 21 kg का इसका वेट है कंप्लीट, और ये जो कटिंग इसकी मैक्सिमम कटिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम इसकी 85 mm है, और इसको तो दोस्तों आपको पता चलेगा हमारे यहाँ गुजरात में इसको घन लकड़ा बोलते हैं, मतलब ठोस लकड़ा, कड़क लकड़ा, सूखा हुआ। तो ये काटने में आप एकदम करीब से काटूंगा, अभी बीच में से तो कोई भी काट सकता है, मैं आपको एकदम शार्प काट के बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और कितना ये फिनिशिंग से देखिए, अक्सर हम लकड़ा अगर सौ से काटते हैं तो साइड में उसके एजिज होते हैं, जो साइड में उसकी धार होती है वो खराब हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैंने बर्फी का टुकड़ा काटा हुआ है, और ऐसे में एक दो नहीं बहुत सारे आपको काट के बताऊंगा। देखिए और एक काट के बता दूं मैं आपको, बहुत ही स्मूथ तरीके से ये काट रहा है, डिग्री भी बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से काट रहा है। और भी मैं आपको काटूंगा, देख सकते हैं आप, और पतला पतला बारीक बारीक काम करके मैं आपको बताने वाला हूं, देख सकते हैं कितना फिनिशिंग है ये। यहां पर जो इसका एज है ना वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये देखें मैं ऐसे हाथ घुमाऊंगा बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्मूथ एज है ये, एकदम एकदम चोखा और रफ एज नहीं, एकदम स्मूथ एज है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या है, अभी ये वाला लकड़ा आपके सामने आ गया, ये गोल वाला, अभी अंदर जाएगा नहीं, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो मशीन है वो बहुत आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आपको नॉब को लूज़ करना है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका ऊपर जाएगा, अभी मशीन चालू है मैं बंद कर देता हूँ, ये सेक्शन पूरा ऊपर जाएगा, अरे वाह, ये पूरा ऊपर चला गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 232 mm तक का ये कटिंग का इसका डायमेंशन रहेगा, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मोटे में मोटा कितना लकड़ा ये काट सकता है, तो ये आपको तकरीबन 4 inch के करीब लकड़ा काट पाएगा ये। और यहाँ पर जो हमारे पास लकड़ा है ये इसके अंदर है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो डायमेंशन का अगर आप कोई सा भी लकड़ा काट रहे हैं तो इसको उसी डायमेंशन पे सेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे कि ये इसके अंदर से पास हो जाए, और यहाँ पर इस नॉब को हम टाइट कर देंगे, टाइट मैंने कर दिया है, अब मैं मशीन को चालू कर दूंगा। यहाँ पर आवाज़ एकदम स्मूथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो घर 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 करके जो आवाज़ आती है ना वो आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। यहाँ से हम सबसे पहले एक छोटा सा आगे से टुकड़ा काट के बता देंगे आपको, वाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने लकड़े को काट दिया है। मैं आपको इसके अंदर और एक जादू बताने वाला हूँ, और कितने अच्छे तरीके से ये इसको काट रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लेट है ये प्लेट की डिग्री को चेंज करने वाला हूँ, और वो भी चालू मशीन में काम करके बता दूंगा मैं आपको। देखिए यहाँ से एक नॉब दिया हुआ है, यहाँ से नॉब दिया हुआ है जिससे प्लेट क्या होगा, यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है, जैसे मैंने इसको लूज कर दिया अब ये पूरा क्रॉस हो चुका है, देखिए 20 degree पर आ गया, ये 20 degree पे आ गया ये, और इसको मैंने यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब मैं आपको इसको डिग्री पे काट के बता दूंगा, मैं एक बार टाइट कर दिया है, मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ, मशीन चल रही है बढ़िया तरीके से। अब मैं ये जो प्लाई का टुकड़ा है इसको मैं काट के बताने वाला हूँ आपको डिग्री पे। दोस्तों एकदम मस्के की तरह इसने इसको काट दिया है, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से इसको काटा हुआ। देखो ऐसे आप खूना भी बना सकते हैं, काट खूना बना सकते हैं, 45 का 20 का, जो आपको आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप करना चाहते हो। और इसके अंदर मैं एक आपको कर्व काट के बताने वाला हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे पास बॉल पेन है, और बॉल पेन से मैं इसको राउंड करने वाला हूँ, ये राउंड कर दिया है मैंने यहाँ पर, अब मैं पूरा राउंड आपको करके बताऊंगा। और ये भी एज के अंदर ये सबसे हैवी तरीके से ये काम होगा, क्योंकि ये एक तो राउंड है और फिर ये डिग्री में है, इसका सपोर्ट लेना, देख सकते हैं आप कितनी, और इसके स्मूथ एज देख ही सकते हैं आप, देखिए कितने अच्छे से इसने काटा है, और ये तो प्लाई है, देखिए यहाँ पर
ये तो प्लाय है, इसकी जगह पे अगर मैं लकड़ा रूंगा तो और भी खूबसूरती से काट पाएगा ये। पहले मैं क्या करूंगा, इसको सीधा कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म को, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। यहाँ से वैसे ही अपनों सिंपल प्रोसेस हमको दोहराना है, ये जो यहाँ पर रहेगा इसको लूज़ करना है, और यहाँ पर जो ऊपर का नॉब रहेगा इसको हमें घुमा के लूज़ कर देना है। ये आ गया इसके जगह पे, और यहाँ पर ये टाइट हो चुका है, और नीचे वाला जो नॉब है इसको भी मैं वैसे करके टाइट कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट सेटअप जैसा था, देखिए कचरा बिल्कुल नहीं है, कचरा बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से इसने काटा है। वैक्यूम का यहाँ पे नॉब भी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं वैक्यूम लगा लूँगा तो सारा कचरा इसके अंदर से आपको खींच लेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से चालू कर रहा हूँ मैं, और ये वाला जो लकड़ा है जो तकरीबन 1.5 इंची का है, इसको मैं राउंड शेप में कर्व करके आपको काट के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम नीचे करेंगे इसको लूज़ करके, जिससे कि हमारा जो सरफेस है और हमारी जो ब्लेड है वो ख़राब ना हो, उसको टर्न करने का मौका ना मिले। इतना नीचे कर लेंगे, बहुत है आपके लिए। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको राउंड करके बताने वाला हूँ मैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया तरीके से इसने काटा है, बहुत बढ़िया तरीके से काटा है। ये कर्व करने के लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़े वो आपको पता होगा, जो कारपेंटर भाई होंगे उनको पता होगा। और ये इसका आप देख लीजिए, इसका जोड़ का काटने का ये देख लीजिए आप, बिल्कुल मतलब बाल भी नहीं जाएगा इसमें से बाल भी नहीं जाएगा, इतना महीम काटा हुआ है, क्योंकि इसका ब्लेड इतना पतला है और इतना शार्प तरीके से काटता है। देखिए आप यहाँ पर रख के एक बार आप देख लीजिए, नीचे रख के बहुत बढ़िया तरीके, कचरा भी बहुत बारीक निकलता है, बहुत बारीक कचरा है। और ये हमारा कर्व वाला है, ये देख सकते हैं आप, कर्व पूरा मैंने काटा हुआ है आपके लिए, यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है, ये मैंने दो वाला डिग्री बनाया हुआ है, और एक दो मैं आपको काट के बता देता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को कोई हमारे से ये नहीं रहे, प्रॉब्लम नहीं रहे कि भाई आपने बहुत सारा बताया था मगर काट के कुछ भी नहीं बताया। और दोस्तों मैं एंड में आपको इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल का जो लाल वाला बटन है उसको आपको दबाना पड़ेगा, तो उसको आप प्लीज़ दबा दीजिए। और ये जो प्रोडक्ट आप मंगाना हो तो किंग टूल सूरत से आप मंगा सकते हैं, और इसके पीछे मेरे पीछे डिस्प्ले के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट आप किंग टूल सूरत से आप मंगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने हमारा प्रोसेस फॉलो कर दिया है, यहाँ पर हमने उसको टाइट कर दिया है, मशीन को मैं चालू करता हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से मशीन चालू हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसमें बेयरिंग लगे हुए, मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट इसका डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर डबल बेयरिंग का, इसके अंदर जो व्हील होता है वो डबल बेयरिंग के अंदर इसके अंदर व्हील है, उसकी वजह से एकदम शांत है, आपको आवाज़ ही नहीं आएगा। देखिए आप, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है इसके अंदर आपको। थोड़ा फांस में कर रहा हूँ, अगर चौड़ा हम करेंगे ऊपर की तरफ तो ये तकरीबन आपको 232 mm तक का आपका जो लकड़ा होगा, कोई सा भी लकड़ा होगा, वो आपको काट के दे देगा। अभी मैं आपको जो लकड़ा काट के बताने वाला हूँ वो 1.5 इंची का एक लकड़ा है, और एक राउंड शेप के अंदर मोल्डिंग किया हुआ एक लकड़ा है, ये तो बहुत ही जाड़ा है, तकरीबन 2-2.25 इंची का ये लकड़ा है। तो ये कितनी फिनिशिंग से कटेगा ये मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट काट के बताने वाला हूँ। पहले क्या करेंगे, हम मशीन का जो बेसिक डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा, मोटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर जो इसका ओपन करने का ऊपर का ढक्कन ओपन करने का नॉब है। और दोस्तों फटाफट हम सबसे पहले प्रोडक्ट का जो डेमो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी इसका बता दूंगा। जैसे सबसे पहले हम ये एक मोटा वाला लकड़ा लेने वाले हैं, एक हमारे पास 2.25 इंची का एक लकड़ा है मोल्डिंग वाला, हमारे पास एक प्लाय है जो के तकरीबन 20 mm की एक प्लाय है हमारे पास, और एक हमारे पास लकड़ा है वो भी चौड़ा वाला है, और ये भी 1 इंची के करीब का लकड़ा है। अब ये जो हमारे पास पूरा एक स्टेप दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर ऑन ऑफ की ये स्विच है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से ऑन हो जाएगा और यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर और एक सेफ्टी फीचर है, अगर आप कोई मशीन के अंदर काम कर रहे हैं तो ये वाली नॉब अगर आप निकाल देंगे
तो ये आपकी ऑन ऑफ की स्विच कोई काम नहीं लगेगी, ये इसका सेफ्टी फीचर है। अगर आप मशीन का कोई आपने स्विच बंद नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मशीन का स्विच बंद कर दूंगा या चालू रख कर भूल गए, तो ये वाला नॉब निकाल देंगे तो आपका सेफ्टी फीचर है, ये मशीन घूमेगा नहीं। तो यहाँ से हमको नॉब लगा दिया हमने और जैसे ही चालू करेंगे तो ये चालू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको एक लकड़े का काट के बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये एक प्लाई काट के बताने वाला हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। कितनी फिनिशिंग से ये काट रहा है वो आप देखिएगा दोस्तों। चालू कर दिया है मैंने, ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है, तो आप मैं भी आपको बताऊँगा कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, ग्लोव्स वगैरह पहन के काम करें। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरती से इसने इसको कटिंग किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि इसकी जो सॉ होती है और जो इसका जो रनिंग का जो कैपेसिटी होती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको किया हुआ होता है। वेल मेंटेन अगर आप इसको फिट करेंगे तो बहुत अच्छे से काट पाएगा। अभी मैं इसको क्रॉस करके काटने वाला हूँ तो भी आप देखेंगे इसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग से इसने काटा हुआ है। अब हमारे व्यूअर कहेंगे आपने प्लाई तो काट के बता दिया, लकड़ा भी काट के बताइए, तो थोड़ा रुक जाइए, मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही मोटा वाला लकड़ा। आपको अगर वीडियो में पता ना चले तो मैं आपको नाप के बता देता हूँ कितना मोटा है ये। देख दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए काटा हुआ है इसने, देख सकते आप। तो चलिए अब फटाफट इसका जो मेंटेनेंस है आगे का वो भी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हमारे को केयर करना है मशीन को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कम्प्लीटली डेमो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे पीसेस मैंने आपको कटिंग करके बता दिए, ये सब मैंने इस पे ही काटे हुए हैं। अगर आपने आगे का हिस्सा स्किप करके मिस कर दिया है तो ज़रूर करके पिछला वाला पूरा वीडियो देखें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वाला जो वीडियो है इसको आप स्किप करें बगैर पूरा का पूरा देखिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट लेके आने का हमारा मकसद है, ये हमारा बजट है। बजट फ्रेंडली होने के लिए हम ये माफ इंडिया का प्रोडक्ट आपके पास लिए लेके आए हैं और ये आपको किंग टूल सूरत पे मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, मैं उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ आपको डालने वाला हूँ। अब क्या करूँगा, मैं आपको जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खोल के बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो नॉब है ये बहुत ही आसान तरीके से ये नॉब खुल जाएगा आपका। ये ऊपर का आपको एक ढक्कन पतरे का पूरा मेटल बॉडी इसके अंदर दिया हुआ है, ये आपका पूरा एक नीचे का सेक्शन भी खुल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर डबल बेयरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से मैं इसको घुमा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बेल्ट दिया हुआ है रबर का बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे ये क्या करेगा 1400 RPM इसको गेन करेगा और 1400 RPM तक जाएगा। पूरा एल्यूमिनियम का बॉडी है, काट लगने का कोई आपको अंदेशा नहीं है। ऊपर का जो पतरा है बहुत ही हैवी गेज का आपको पाउडर कोटिंग वाला आपको पतरा मिलने वाला है, अंदर पूरा आपको एल्यूमिनियम का मिलने वाला है। लाइट वेट है, 21 किलो इसका वेट है। और ये जो इसकी ब्लेड है बहुत ही ब्लेड जो है ये भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही लंबा टाइम आपको चलने वाली है। ये नॉब और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको ये ढक्कन खोल के चालू करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है। देख सकते आप ये इस तरीके से पूरा मशीन वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाथ नहीं डालना है इसके अंदर, नहीं तो क्या है कि आपकी उंगली कट जाएगी। ये पूरी वर्किंग इसकी है, डबल बेयरिंग है यहाँ पर, और नीचे भी आप देख पा रहे हैं मोटर है, डबल बेयरिंग है। यहाँ पर ब्रश दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये रहा यहाँ पर ब्रश दिया हुआ है। अब ये जो ब्रश का काम क्या है, क्या है, जैसे ही आप इसको लकड़े को काटेंगे तो ये ब्रश से क्या होगा कि इसका जो मेन जो पहिया है वो भी साफ होता रहेगा और कचरा ऊपर तक नहीं आएगा और नीचे ही कचरा पड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा कचरा यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम का आउटलेट भी दिया हुआ है, जिससे कि अगर हम वैक्यूम लगा देंगे तो ये वैक्यूम से पूरा कचरा भी आपको खींच लेगा। ये जो ऊपर का जो सिस्टम है, ये नॉब को क्या करेंगे, नॉब को लूज करके आप इसकी जो ब्लेड है वो ब्लेड को निकाल सकते हैं। ब्लेड को मैं आपको निकाल के बता देता हूँ एक बार तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको लूज करूँगा ये ब्लेड हमारी हाथ में आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ये आपको एक्स्ट्रा में किंग टूल सूरत पे मिल जाने वाली है,
कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये कंप्लीट ब्लेड आपके सामने आ चुकी है, तो ये ब्लेड भी आपको एक चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, और इसके अंदर आपको मेटल काटने के लिए भी ब्लेड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और बैक साइड की तरफ हम जैसे ही मशीन को घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे अलग अलग प्रकार के इसके अंदर सेटिंग दिए हुए हैं। यहाँ पर वैक्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर इसको ऊपर नीचे जैसे के अंदर डेमो के अंदर मैंने आपको बता दिया था, इसको हमारे को क्या है अपने लकड़े की लेंथ के हिसाब से हमें सेट करना रहेगा। तो ये ऊपर नीचे पूरा हो जाएगा यहाँ तक, बहुत ही आसान तरीके से ये आपको कर सकते हैं काम। यहाँ पर भी जो नॉब दिया हुआ है कम्प्लीटली, जिससे आप इसके व्हील का बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस करके आप उसको डबल टाइट करना है, यहाँ से उसको टाइट कर देना है। पूरा मशीन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं इसके अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से मशीन को बनाया हुआ है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, इसके पहले भी अगर आपने प्राइस को नहीं देखा है, स्किप कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।